हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेफ कृष्णा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक यम्मी डिलीशियस रेसिपी। आज मैं लाई हूँ नॉन वेज रेसिपी। ये है बंगाल का स्पेशल मटन मसाला। ये कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइएगा, बहुत यम्मी बनता है, बहुत डिलीशियस बनता है। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम लाते हैं आपके लिए यम्मी डिलीशियस रेसिपीज टिप्स और ट्रिक्स के साथ, बहुत मैजिकल और बहुत स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, हम आपके इस प्यार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलें बनाते हैं ये यम्मी डिलीशियस मटन मसाला बंगाल स्टाइल। देखिए कितना यम्मी है, डिलीशियस। इसे आप राइस के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट होता है। और हम यहाँ पे नॉन वेज बना रहे हैं। यदि आप वेज बनाना चाहें तो मटन की जगह आप पनीर यूज़ कर सकते हैं या मशरूम यूज़ कर सकते हैं या कोई भी वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में, हम आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताएंगे कि ये यम्मी डिलीशियस मटन मसाला कैसे बनता है। फ्रेंड्स, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। मैजिक किचन लाते हैं मैजिकल रेसिपी टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। किचन के साथ बने रहिए और करते रहिए अपनी रेसिपीज में मैजिक। खूब सारा इंग्रेडिएंट और खूब सारी रेसिपीज, बने रहिए हमारे साथ में शेफ कृष्णा के साथ। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा फॉर मोर वीडियोस। तो चले फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने ये मटन को बहुत अच्छे से धो लिया है, बहुत स्वादिष्ट बनाने वाले हैं हम। हमने ऐड कर दी यहाँ पे गार्लिक, हमने चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड किया है, चॉप किया हुआ जिंजर ऐड किया। आप चाहें तो इसको पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐड कर रहे हैं ऑनियन। तो ये फ्रेंड्स 1 किलो मटन है, तो 1 किलो मटन के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें ले रहे हैं। हम ले रहे हैं सॉल्ट स्वाद के अनुसार। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ ले रहे हैं कश्मीरी देगी लाल मिर्च, ये हम 2 टीस्पून ले रहे हैं। हमने 1 इंच टुकड़ा जिंजर लिया था और 15 से 20 हमने लिया था क्लोव गार्लिक का। हमने ऐड कर लिया टर्मरिक पाउडर और धनिया पाउडर। टर्मरिक पाउडर हमने 1 टीस्पून लिया, धनिया पाउडर हमने 1 टेबलस्पून लिया, गरम मसाला 2 टीस्पून और ऐड कर देंगे कर्ड तकरीबन 100 ग्राम। इसको अच्छे से फेंट लिया है कर्ड को हमने, और इन सब चीज़ों के साथ हम इसको अच्छे से मैरिनेट करके रखेंगे। तकरीबन 1 घंटे तक हम इसे मैरिनेट करके अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। मैरिनेट करने के बाद जो मटन है वो उसका फ्लेवर बहुत यमी होता है, ये सारा मसाला मटन के अंदर चला जाता है। सो इसको अच्छे से मैरिनेट करके आप चाहें तो फ्रिज कर दें और आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। ठंड का मौसम है सो बाहर ही आप रखें, इसको ढककर रख दें तकरीबन 1 आवर के लिए। 1 घंटे पहले यदि आप मैरिनेट करते हैं तो इसका स्वाद बहुत बेहतर होता है। यदि आपके पास समय है तो आप रात को मैरिनेट करके रख दीजिए, फ्रिज कर दीजिए, सुबह आप उसको बना सकते हैं, उससे फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। मैरिनेशन बहुत अच्छे से करें। तो ये 1 किलो मटन है, देखिए मैरिनेशन कंप्लीट हो गया, इसको 1 घंटे के लिए रख देते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए 1 घंटा हो चुका है, तो हम बना लेते हैं मटन मसाला। हम यहाँ ले रहे हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं, बहुत यमी होता है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, जब तक अच्छे से वो स्मोक ना करने लगे तब तक गर्म करें उसको। और ये गर्म मसाले ऐड कर दें, खड़ी लाल मिर्च, 1 इलायची, वे लीफ 3 से 4, जीरा 1 टीस्पून, लौंग 4 से 5, 1 दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च
ऐड कर देंगे ऑनियन, ये हमने 6 से 7 ऑनियन मीडियम साइज के ऑनियन चॉप करके रखे थे वो हमने ऐड कर दिए। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे हम, ब्राउन नहीं करना है हमको, ब्राउन होने से पहले ही हम इसमें ऐड कर देंगे मटन जो हमने मैरिनेट करके रखा है। हमको जस्ट इसको सॉफ्ट करना है, ये देखिए ऑनियन सॉफ्ट हो गए हैं काफी। हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा शुगर, हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हमने 1 टीस्पून शुगर ऐड किया था, 1 टीस्पून हल्दी ऐड किया, इससे ये शुगर जो ऑनियन है उसमें एक अच्छा सा ब्राउनिश कलर आ जाएगा, कैरमलाइज हो जाएगा ये, तो जो मटन मसाला है उसका कलर इससे इफेक्ट पड़ेगा और एक अच्छा सा कलर जो आ जाएगा इसके अंदर वो बहुत ब्यूटीफुल कलर और टेस्ट भी चेंज होगा आपका, जो मटन मसाला है उसका टेस्ट फ्लेवर चेंज होगा इस शुगर ऐड करने से। हम यहाँ पे इस तरह से कूट कर गार्लिक यूज़ कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, हमने 8 से 10 गार्लिक को इस तरह से कूट लिया है उखल में, ऐड कर देंगे इसको भी। तो देखिए हम इसको मसाले को अच्छे से भून लेंगे इस तरह से, बहुत अच्छे से भूनना है इसको। हम इसमें ऐड कर देंगे ये जिंजर, जिंजर को भी हमने उखल में कूट लिया है, तो इस तरह से ऐड करेंगे तो इसका जो स्वाद है वो बहुत बेहतर होता है। बंगाल में स्पेशली सिलबट्टे पे पीसा हुआ या उखल में कूटा हुआ मसाला यूज किया जाता है। हम इसी तरह से हरी मिर्च को भी कूट लेंगे, आप देखेंगे कि फ्लेवर में बहुत चेंज आता है जब आप इस तरह से मसाले कूट कर यूज़ करते हैं, स्पेशली रूरल एरिया में गांव में ये मेथड ज़रूर अपनाया जाता है और वहाँ का जो मटन बनता है वो बेहद स्वादिष्ट बनता है। तो हमने ये जो ग्रीन चिली है ये हमने 8 से 10 ग्रीन चिली ली है, आप जितना तीखा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रीन चिली ले सकते हैं। हमने ये 8 से 10 ग्रीन चिली इस तरह से कूट लिया है उखल में और इसको हमने ऐड कर दिया मसाले में। आप देखेंगे कि मसाले का जो एक अच्छा सा फ्लेवर आता है यदि आप सिलबट्टे में पीसते हैं या उखल में कूटते हैं तो इस तरह से जो रस है वो निकलता है और वो बहुत स्वादिष्ट होता है। अब हम ये मसाला ऐड कर रहे हैं जिसमें धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है और हल्दी है। हल्दी हमने थोड़ी सी यूज़ की है, लाल मिर्च पाउडर हमने 2 टीस्पून यूज़ किया है, गरम मसाला 2 टीस्पून यूज़ किया है और धनिया पाउडर हमने 2 टीस्पून यूज़ किया है। तो इसको पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके रखा है, इस तरह से जब आप मिक्स करते हैं तो मसाले जलते नहीं हैं और बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए ये भी हमने ऐड किया है और इसको भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, लगातार उसको चलाते हुए भुने जिससे वो नीचे ना चिपके, और बहुत अच्छे से जब मसाला भुन जाता है तो उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा देगी मिर्च, तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने यूज़ किया है देगी मिर्च, आप देख रहे हैं कि कलर कितना अच्छा गया है, इससे मसाला बहुत अच्छे से कैरमलाइज हो गया, आप मसाले का कलर देख सकते हैं कितना स्पाइसी लग रहा है आपको। अब ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था मटन उसको हम ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और इस मसाले के साथ हम इसको भूनेंगे। हमारा जो मसाला था वो ऑलरेडी भुन गया है अच्छे से, बट मटन के साथ जो हमने मसाला मैरिनेट किया था उस मसाले को और मटन को हमें अच्छे से भूनना है। इसको कोसाना कहते हैं, बहुत अच्छे से इसको कोसाएंगे जब तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है जो कि बंगाल के मटन मसाला में ये फ्लेवर बहुत पसंद किया जाता है, बहुत यमी होता है। तो देखिए मटन मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और इसको हम अच्छे से भुनेंगे। तो मसाले का भुनना हम बहुत ज़रूरी है, हम इसको मसाले को हाई फ्लेवर में फ्लेम में नहीं करते हैं, हम इसको मीडियम फ्लेम में या लो फ्लेम में भुनते हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे कर्ड,
तो ये 200 ग्राम कर्ड हम और ऐड कर रहे हैं। पहले हमने 100 ग्राम मैरिनेशन में यूज किया था, 200 ग्राम कर्ड हम फिर यूज कर रहे हैं। देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मटन मसाला का कलर अभी कितना यमी आपको लग रहा होगा और खूब मसालेदार है और बहुत अच्छे से ये भुनना है हमें इसे। जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा ये मसाला भुन के रेडी हो जाएगा, मटन भी हमारा तकरीबन 40% कुक हो जाएगा। मसाला भुनने के वक्त आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो गया, मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। ये ऑयल सेपरेट हो गया, हमने ऐड कर दिया यहाँ पे किशमिश। आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया और मसाले का कलर चेंज हो गया, दैट मीन्स मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है और हमारा मटन भी तकरीबन 40% कुक हो गया है। तो ये टाइम होता है कि मसाला आप बहुत अच्छे से भुने, जिससे कि ये ऑयल जब तक सेपरेट हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है उसका। जैसे मसाला अच्छे से भुन जाता है इसका कलर काफ़ी चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स हम लगातार चलाते हुए मसाले को अच्छे से भुना है हमने, तो ये मसाला काफ़ी अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला जो है उसका कलर अगेन काफ़ी चेंज हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि ये वाला पोजीशन जब आता है तब आप समझें कि मसाला भुन गया है। आप देख सकते हैं बबल्स आ रहे हैं काफ़ी। सिर्फ ऑयल सेपरेट होना मसाले का भुनना नहीं होता, जब तक बबल्स नहीं आते तब तक आप नहीं कह सकते कि मसाला अच्छे से भुना है। अब देखिए मसाला भुन गया है बिल्कुल अच्छे से, बबल्स आ रहे हैं। हम ऐड कर देंगे गर्म पानी। फ्रेंड्स ध्यान रखें कि आप जब भी मटन और चिकन बनाते हैं तो जब पानी ऐड करते हैं तो पानी बिल्कुल बॉयल होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, इससे जो कुकिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। अब ठंडा पानी डालते हैं तो कुकिंग प्रोसेस एक बार रुकता है फिर बनता है, इससे स्वाद खराब हो जाता है। तो देखिए हमने पानी ऐड कर दिया है, हमने यहाँ पे तकरीबन 200 ml पानी ऐड किया है। देखिए 200 ml पानी हमने तकरीबन ऐड किया है। तो पानी आप उतना ऐड करें जितना, जिस तरह का आपको मसाला चाहिए, मटन मसाला ये थोड़ा थिक होगा सो हमने पानी यहाँ पे ऐड किया है, 200 ml ऐड किया है। हम ये जो आलू हमने फ्राई करके रखा था ये आलू हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जो बंगाली मटन मसाला होता है उसमें इस तरह से आलू को हाफ कट करके उसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं, तो ये इससे जो मसाला है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो ये हमने ऐड कर दिया है, सारी चीजें ऐड हो गई है। अब हम कुकर की सीटी लगाएंगे। देखिए 5-6 सीटी लगाने के बाद बिल्कुल तैयार हो गया मटन। हम आप देख सकते हैं कि कितना बबल्स आ रहे हैं और मटन हमारा कुक हो चुका है बहुत अच्छे से। इसे यदि आपको थिक करना है तो ओपन करके आप थोड़ी देर और पकाएं जिससे थिक हो जाएगा। हम चेक करके बताते हैं। देखिए मटन बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और ये हमारा बंगाली स्टाइल मटन मसाला बनके रेडी है। गार्निश थोड़ा ऐड कर देंगे हम कोरिएंडर चॉप किया हुआ, मिक्स कर देंगे हम अच्छे से। ऐड कर देंगे घी, फिनिश करेंगे घी से। आप देख रहे हैं ओपन करके हम इसे थोड़ा थिक करना चाहते हैं तो ओपन करके हमने इसे कुक अगेन कुक किया है, तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ये देखिए हमने घी ऐड किया है इसमें और आप देख सकते हैं कि अब ये काफी थिक हो चुका है मटन मसाला हमारा और रेडी हो गया मटन हमारा। चलिए प्लेट कर देते हैं इसको, बहुत यमी है, डिलीशियस, बिल्कुल स्वादिष्ट। परोस देते हैं हम मटन मसाला।
आप देख सकते हैं कितना यमी बना है, डिलिशियस। गार्निश कर देंगे ऑनियन और कोरिएंडर के साथ में। आप इसे रोटी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए या फिर लूची के साथ खाइए। इतना यमी है, इतना स्वादिष्ट है कि आप इसका स्वाद भुला नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, जल्दी से बना डालिए ये यमी डिलिशियस मटन मसाला बंगाली स्टाइल में।